कृष्णम राजू जी हमारे बहुत पुराने मित्रों में से थे। मेरा उनसे संपर्क 98 में आया था, जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए थे, और उसके बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के मंत्रिमंडल में थे, उस समय उनके साथ मेरा बहुत ही गहरा संबंध बना था। आज के कुछ महीने पहले वो दिल्ली में जाकर मुझसे मिले भी थे। जब वो मिले थे, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि वो बीमार हैं अथवा अस्वस्थ हैं। वही पुराना लहजा था उनका बातचीत करने का, मुस्कुराते हुए, मस्ती में, और देखने में भी मुझे लगा कि नहीं, स्टिल ही हेल्दी। मैं तो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि हमारे अन्ना दारू इतनी जल्दी चले जाएंगे। और उनके निधन की जानकारी जिस समय मुझे मिली तो मैं तो हतप्रभ था, क्योंकि मेरा रिश्ता उनके साथ भी था, उनके परिवार के साथ भी हमारा रिश्ता था। और मुझे याद है कि यह बाहुबली फिल्म रिलीज होने वाली थी, वह कृष्ण राजू जी और उनकी फैमिली के मेंबर्स हमारे पास दिल्ली गए थे। मैं भारत का उस समय होम मिनिस्टर था, और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी फिल्म बनी है, हम लोगों की इच्छा है कि इस फिल्म को पहले आप देखें। एक थिएटर था, उस थिएटर को मैंने मैसेज दिया, और उसके बाद उसी थिएटर में जाकर मेरी पूरी फैमिली, उनकी फैमिली और हमारी होम मिनिस्ट्री के जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, सबने जाकर वह फिल्म देखी और सबने उस बाहुबली फिल्म की सराहना की। मैंने इस हद तक का उनका लगाव था, उनको लगा कि यदि फिल्म अच्छी फिल्म बनी है, एक बार हमारे भाई राजनाथ सिंह जी को उसको देखना चाहिए, इसलिए वह दिल्ली गए यह आग्रह करने के लिए। इतनी जल्दी वो हमारे बीच से चले जाएंगे, मुझे इस बात की कल्पना भी नहीं थी। लेकिन किसी ने कहा है कि जो कल थे आज नहीं है, और जो आज हैं वह कल नहीं होंगे। होने न होने का यह क्रम चलता रहेगा, लेकिन हम हैं, हम ही रहेंगे, यह भ्रम भी सदैव पलता रहेगा। जो भी आया है उसको जाना है, यह बात पक्की है। फिर भी मनुष्य को यह लगता है कि हम हैं और हम ही रहेंगे। लेकिन केशव राजू जी के बारे में, उनका व्यक्तित्व कैसा था मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं, मुझे बहुत अधिक विस्तार में जाकर उसे बताने की आवश्यकता नहीं है। कोई उन्हें रीबेल स्टार कहकर बुलाता है, कोई उन्हें फिल्म स्टार कहकर बुलाता था, लेकिन हमारे लिए तो जैसा मैंने कहा वह केवल अन्ना गारू थे और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। और मैं मानता हूं फिल्म स्टार तो वे थे ही, एक फिलैंथ्रोपिस्ट थे, और साथ ही साथ एक ह्यूमैनिटेरियन के रूप में भी जमीन से जुड़े हुए मैंने बराबर केशव राजू को जी को पाया है। आसमान पर चमकना और जमीन पर लोगों से जुड़े रहना, यह वही व्यक्ति कर सकता है जिसका दिल बड़ा होगा। छोटे दिल का व्यक्ति इस काम को नहीं कर सकता। और यह चीज मैंने कृष्ण राजू जी में देखी थी,
और रेवेल स्टार के रूप में तो वह दर्शकों का दिल जीत लेते थे। यह अद्भुत कला थी उनके अंदर। हमारी इतनी बातचीत होती रही लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि 180 से ज्यादा फिल्मों में उन्होंने काम किया है, मुझे जानकारी नहीं थी। उनकी डेथ के बारे में मैंने पूछा किसी से कितनी फिल्मों में काम किया, तो लोगों ने बताया कि साहब 180 से अधिक ज्यादा फिल्मों में उन्होंने काम किया, बहुत सारी सामाजिक, पारिवारिक और फिल्मों से लेकर ऐतिहासिक, पौराणिक फिल्मों में उन्होंने काम किया। हमारी इतनी नजदीकी थी, इतनी बातचीत थी, लेकिन इस प्रकार की फिल्मों में उन्होंने काम किया इसकी मुझे जानकारी नहीं थी। और उनकी इसी योग्यता, इसी प्रतिभा, इसी क्षमता का ही परिणाम था उनके जिंदगी में उन्हें कई अवार्ड्स भी मिले हुए थे। प्रेसिडेंट का भी अवार्ड मिला था, फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था, नंदी पुरस्कार मिला था, ऐसे कई पुरस्कार मिले थे। सारे पुरस्कारों का नाम तो मुझे याद नहीं है। एक फिल्मी कैरियर तो उनका था, लेकिन उसके साथ था पॉलिटिकल और सोशल, यह भी उनका कैरियर था। आप लोग जानते हैं 2 बार वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए। पार्लियामेंट में मैंने देखा कि व्हिप के रूप में भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया। कई ऐसी पार्लियामेंट्री कमेटीज थी, इन पार्लियामेंट्री कमेटीज में भी वो अपनी प्रभावी भूमिका का वो सदैव निर्वाह करते रहे। मुझे याद है एक बार गो हत्या, काउ स्लॉटर के विरोध में उन्होंने एक बिल पार्लियामेंट में पेश किया था, और उसके पहले किसी ने बिल इस प्रकार का पेश किया था तो आज के हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, श्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया था। और मुझे जहां तक याद है कि 2000 में उन्होंने काउ स्लॉटर पर बैन लगाने का यह बिल हाउस में पेश किया था। बहनों भाइयों, किशन राजू जी के बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि सारी व्यस्तताओं के बावजूद मुझे जब जानकारी मिली तो मैंने कहा कि मैं निश्चित रूप से अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए उनके परिवार से मिलूंगा और मैं हैदराबाद जाऊंगा। मैंने पूछा कि किस दिन आना चाहिए किशन रेड्डी जी से, तो उन्होंने कहा कि 10th डे, जिसे 10वां जिसे बोलते हैं हम लोगों की, तब 10th डे आए तो बहुत सारे लोगों से भेंट मुलाकात भी हो जाएगी, फैमिली के मेंबर से भी भेंट हो जाएगी। लेकिन जब मैंने अपने प्रोग्राम का शेड्यूल देखा तो उस समय मुझे इजिप्ट में रहना था, तो उस समय मेरे लिए आना संभव नहीं था। इसलिए मैंने फैसला किया कि यदि उस समय नहीं जा पाऊंगा तो मुझे अभी चलना चाहिए। जब किशन राजू जी की डेथ हुई तो मैं बहुत सारे लोगों की ओबिशियरी क्यूब में पढ़ रहा था, जिन लोगों ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की थी उनकी ओबिशियरी, इसको मैं पढ़ रहा था। हिंदू में मैंने 2-3 सेंटेंसेस पढ़े, मुझे बहुत अच्छे लगे और मुझे यहां पर उसे कोट करना चाहूंगा। फॉर आउटसाइडर्स एंड तेलुगु पीपल किशन राजू इज नोन एज एक्टर एंड पॉलिटिशियन, फॉर आउटसाइडर्स एंड तेलुगु पीपल कृष्ण राजू इज नोन एज एन एक्टर एंड पॉलिटिशियन, इन द विलेज ही हैड ऑलवेज लिव्ड एज ए फेलो विलेजर और ही रिमेंबर्स एवरी विलेजर ऑफ हिज बाई द नेम। जिसको इतनी पॉपुलरिटी हासिल हो कॉमन मासेस में, वो अपने पुराने दोस्तों को याद रखता हो, उसका नाम लेता हो, ये छोटे दिल का कोई व्यक्ति इस काम को नहीं कर सकता है। इस काम को यदि कोई कर सकता है तो बड़े दिल का भी व्यक्ति कोई यह काम कर सकता है, बड़े मन का ही यह कोई व्यक्ति काम कर सकता है। व्यक्ति की ग्रेटनेस, उसकी महानता, इसका मूल्यांकन इस आधार पर नहीं किया जा सकता कि वह किस पोस्ट पर बैठा है। किसी व्यक्ति की महानता का मूल्यांकन तो इस आधार पर ही किया जा सकता है कि उसका मन कितना बड़ा है,
और बड़े पद पर रह बैठा हुआ व्यक्ति भी, यानी धरती से जुड़े हुए आम इंसान से भी यदि दिल खोल कर मिलता है तो मैं समझता हूं उससे बड़ा इंसान और कोई दूसरा नहीं हो सकता। यह चीज उनके अंदर थी, अपने लोगों से, जमीन से जुड़े लोगों से सहजता के साथ मिलना, यह अद्भुत कला उनके अंदर थी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जो आया है उसे जाना है, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन मैं मानता हूं कि वो जल्दी चले गए हम लोगों के बीच, हम हो आप हो जो भी उनके सुचिंतक हैं, अब कुछ कर नहीं सकते, केवल हम अपनी संवेदना व्यक्त कर सकते हैं। और मैं भी अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए यहां पर आया। मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और पूरे परिवार को और उनके शुभ चिंतकों को इस अपार कष्ट को सहने की क्षमता प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपना निवेदन यहीं समाप्त करता हूं।